फरीदकोट के डॉक्टरों की ओर से बड़ी संख्या में जिला प्रधान डॉक्टर रचपाल सिंह के नेतृत्व में मीटिंग की गई, जिसमें डॉक्टर्स को प्रैक्टिस के दौरान आ रही मुश्किलों संबंधी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मेडिसिटी हॉस्पिटल मोगा से मार्केटिंग मैनेजर मोहित और अमनदीप सिंह की ओर से मीटिंग को संबोधित किया गया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर्स को प्रैक्टिस के दौरान मरीजों को दी जाने वाली सस्ती सहूलतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रधान रचपाल सिंह संधु ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के डॉक्टर्स को मान्यता देने का ऐलान किया था, जो आज तक नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर अभी भी पंजाब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में शहरों और गांव के लोगों से मिलकर उनके उम्मीदवारों का घेराव करके उनका विरोध किया जाएगा। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आज का जड़ा मेन प्रॉब्लम ये सीगा कि आज असिस्टेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो मीटिंग सीगी थीनावाल मीटिंग के विच असि मोगा मेडिसिटी स्टाफ वालों, मेरा नाम मोहित होगा, मैं उत्तर एज बतौर मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। साडा मेन इतने ऑन द मेरा सीगा कि साडा एक हॉस्पिटल नवा लॉन्च होया कि मोगा तो थोड़ा असी आउटसाइड थोड़ा शहर तो बहर असी लॉन्च किया, जिद असी हॉस्पिटल के मिलने वाली जिन्हें भी सहूलत से बारे असी इतने जिन्हें भी डॉक्टर साहबान आए हुए थे उन्होंने बारे असी जागरूक किया। बस यही सा कुछ विचार ये क्योंकि इलैक्शन बिल्कुल सिरते है, साढ़े चार साल वागू पौने पाँच साल हो गए है कि कैप्टन सरकार ने पहला साढ़े नाल वादा किया और उन्होंने 17 नंबर मत के भी ये गल पाई सी अपने चोण मैनीफेस्टो कि असी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसीएशन का मसला हल करा और इन्हों प्रैक्टिस का जोड़ा है अधिकार पिंड देवे और तकरीबन पौने पाँच साल बीत जाने भी इन्होंने साडा जोड़ा है वो मसला तो की हल करना सी, साढ़े वो मुद्दे से तो की गल करनी सी, एक शब्द भी जोड़ा है विधानसभा के नहीं बोलिया।